नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश के पुष्पगिरी तीर्थ में तरुणोत्सव गुरु पर्व का आयोजन किया गया है। कड़वे प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध तरुण सागर महाराज की 55वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। तरुण सागर महाराज के गुरु पुष्प दंत सागर महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे में मुख्य अतिथि के तौर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे हैं। उधर उत्तराखंड सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री शमीम भाई आलम और बीजेपी युवा मोर्चा के महाराष्ट्र के प्रदेश मंत्री महेश भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। फेमस बॉलीवुड सिंगर पलक मुश्तल भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। अपनी सेवा के माध्यम से इसने ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज हम सब लोग यहाँ पर उसको ये पुरस्कार देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अब चलते हैं उस क्रम की ओर जिन्होंने हमें कभी भी 1 सितंबर 2018 के बाद जब मुनि श्री का समाधि मरण हुआ था, आचार्य श्री तरुण सागर जी महाराज का समाधि मरण हुआ था, उसके बाद उनकी कमी कभी भी नहीं खलने की। एक सूत्र में पूरे गुरु परिवार को जिन्होंने प्रयो कर रखा और आज भी रख रहे हैं, और आचार्य ग्रंथाचार्य जी के आशीर्वाद से भविष्य में भी हम सब गुरु परिवार को वो हमेशा प्रयोग कर रखेंगे एक सूत्र में, मुझे ऐसा विश्वास है। ऐसे क्षुल्लक पूज्य श्री पर्व सागर जी महाराज जो अंतिम दीक्षित ब्रह्मचारी हैं तरुण सागर जी महाराज के, और ग्रंथाचार्य श्री कुशदन सागर जी महाराज द्वारा दीक्षित क्षुल्लक हैं पर्व सागर जी महाराज, अपनी बात अपना आशीर्वचन यहाँ पर कहेंगे। कृपा सागर नमः श्री वर्धमानाय निर्धूलकरात्मने साधुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परमपिता परमेश्वर की चरणों में आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान के चरणों में नमन करते हुए, समस्त पूर्वाचार्यों के चरण वंदना करते हुए, गणाचार्य दादा गुरुदेव पुष्पदत्त सागर जी गुरुदेव की त्रिभक्ति पूर्वक नमन वंदना करते हुए, महामहिम जी और समस्त उपस्थित यहाँ पर गुरु भक्तों का जन समूह, आप सभी को गुरु आशीष अनुपम पा देते हुए बस यही कहूँगा कि जिन क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत तरुण सागर जी गुरुदेव की 55वीं जन्म जयंती के बहाने धरती के स्वर्ग पुष्पगिरी तीर्थ पर आप आज उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं कि मानव सेवा एक व्यक्ति की अग्रता है तो समाज में, शहर में, राज्य में, राष्ट्र में कहीं ना कहीं वह एक पहचान पा लिया करता है। पर मानव सेवा की जिसने पूरे बाग को ही बना दिया, ऐसे गणाचार्य गुरुदेव पुष्पदत्त सागर जी गुरुदेव, क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत तरुण सागर जी गुरुदेव के ऐसे गुरु हैं, देश के इकलौते पहले संत हैं पुष्पदत्त सागर जी गुरुदेव, जिन्होंने देश की चारों दिशाओं में 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पद यात्रा करके अहिंसा का भी गुण बजाया। जिस पुष्पगिरी तीर्थ पर दुबली पतली काया का साधारण सा संत देख रहे हैं आप, ये साधारण नहीं है, बड़ा असाधारण है। ना सिर्फ देश का, नेपाल, भूटान, वर्मा तक की सीमा में पदयात्रा करते हुए हिंदुस्तान की संस्कृति और अहिंसा पर्व धर्म की ध्वजा का परचम फहराया है ऐसे क्रम पर।